तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम बात पाइथन की करते हैं तो पाइथन में हम लोग को क्या क्या काम करने ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पाइथन में चेक करवा रहे कि पाइथन कैसे रनिंग हालत में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और प्रिंट करके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, ठीक है, और एंटर मारा तो ये देखिए पाइथन आपको लिखा रहा है प्रिंट वेलकम करके। जब एंटर मैंने लगाया तो यहाँ पे वेलकम आपको देख रहा है, इट मीन्स पाइथन वर्किंग में है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर पाएंगे, मैं नोट करके भी इसकी कोडिंग दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा दिखेगा। मैंने क्या टाइप किया, प्रिंट वेलकम टाइप किया। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर पाएंगे कि सिर्फ वेलकम को प्रिंट करने के लिए हमने सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी में अच्छी लंबी चौड़ी कोडिंग देखी है। प्रिंट एक लाइन करना है, कोडिंग लंबी चौड़ी। पाइथन ने क्या किया, सारे गैस और अपनी कोडिंग कलेक्ट करके मात्र प्रिंट वेलकम से काम चलते हैं, एक लाइन से सब काम। वैसे तुम्हें जो करना है सुनता ही देखूँ, ना तुम्हें या वैल्यू डिक्लेयर करना है, ना कोई फंक्शन के अंदर तुम्हें जाके काम करना है, ठीक है, ना तुम्हें सी एस एस स्टाइलिंग, कुछ भी नहीं। तो बड़ा आसान से पाइथन वर्क करता है, इसलिए जो डेवलपर्स से एकदम जो कोडिंग से डरते भी उनके लिए पाइथन बहुत आसान हो जाता है। सेकंड, इसी में मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, आपको जैसे दो नंबर प्रेस करना है, और दो नंबर प्रेस करने के लिए आपने बहुत सारे कोडिंग्स वाले लिखे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट वन प्लस टू कर दिया, प्रिंट वन प्लस टू या प्लस थ्री आ गया। मैं यहाँ पे नोट कार्ड करके दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिंट वन प्लस टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। मैंने प्रिंट वन प्लस टू किया, यहाँ पे क्या आ गया, थ्री आ गया। तो आपने ये भी देखे क्या, ये भी हमें इतना छोटा काम करने के हमें आधे आधे पन्ने की कोडिंग लिखनी पड़ी थी, ये एक लाइन में कर देगा, ठीक है, और बहुत जल्दी भी आपके दिमाग में बहुत एंट्री हो रही है, यार ये तुम्हारा आसान है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अगर आपके मन में टारगेट आए कि भाई हमें वेरिएबल से काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने ज़्यादातर लैंग्वेजेस में वेरिएबल से काम किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से वेरिएबल भी बना सकते हैं। हमने ए बराबर 10 किया, बी बराबर 10 किया और प्रिंट कर दिया हमने ए प्लस बी, ठीक है। तो जब हमने किया तो ये देखो आंसर बी सबको देख रहा है, नोटपैड में भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, ए बराबर 10, बी बराबर 10 और प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी। तो जब हमने ये किया तो हमने आंसर में क्या देखा, 20 देख गया, ठीक है, आसान है पाइथन, ठीक है, ज़्यादा टफेस्ट तो नहीं है, ठीक है, और बहुत इजी लॉजिक है। आपको अगर मान लीजिए कि बहुत है, कहीं भी आप लोग में से कोई जॉब करते हैं, बहुत लंबा जॉब ऑफर्स होता है, उन लोग भी पाइथन आराम से सीख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ठीक है, और डेवलपमेंट में पाइथन कहाँ भी होगा वो भी आज हम लोग को देखना है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइथन के मल्टीपल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है।